वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस, आप सभी के सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे, सुपर होंगे। एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। और आप सभी को पता है कि मतलब ऐसे कुछ वीडियोस होती है करिश्मे वाली, मोजे वाली, या मतलब फिर जहाँ पे कुछ अजाब हो, हाँ, या कुछ ऐसी वीडियो हो, हम वीडियो लेके आते तो हम उस वीडियो से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। सो आज भी हम हैं, आप अपना बताना कि आप हो या नहीं हो। सो वीडियो का आज का टाइटल है रशिया के लाइव टीवी पर ऊपर वाले का अजाब। ओ मतलब माय खुदा का गॉड, अजाब हुआ है कि लाइव टीवी पर लाइव चलते भाई साहब, वो चीज यार होना तो एक अमेजिंग और एक अविश्वसनीय चीज है अगर वो, है मतलब ना। हाँ, कभी तो हमें ऐसे दिखे भी तो हम बोल सकते हैं कि यार एडिटिंग की होगी, एडिटिंग की होगी, हाँ लेकिन ये तो ये लाइव लाइव हुआ टीवी है तो यार। देखते हैं इस पे क्या है क्या नहीं है, ये उससे फिर पहले करते हैं। गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, सो करे प्ले। या दोस्तों, आज आपको इस्लाम का मजाक बनाने वाली एक खातून का ऐसा इबरतनाक वाकया दिखाएंगे जिसे टेलीविजन शो पर लाइव दिखाया गया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रशिया के टेलीविजन शो में मजहब के ऊपर एक डिबेट चल रही थी। शो में शरीक एक खातून ने इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए वहीं बरहना लिबास में लाइव टेलीविजन पर नमाज की कॉपी करना शुरू कर दी। शॉर्ट कपड़ों में मौजूद इस खातून ने जब स्टेज पर ही सजदे वगैरह करना शुरू किए तो जाहिर बात है जब नीम बरहना खातून स्टेज पर ऐसा करेगी तो मनाजिर ऐसे इखलाक बाखता थे कि वहाँ मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। इस बिहाई का मंजर हम तो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, मगर इसकी तफसील आपको ज़रूर बताते हैं। ये खातून इस प्रोग्राम में अपने एक पालतू कुत्ते के साथ शरीक थी और जिस तरह ये इस्लाम का मजाक उड़ा रही थी, करना खुदा का ऐसा हुआ कि उसी वक्त उसके पालतू कुत्ते ने उस पर हमला कर डाला और उस बेहया खातून को गर्दन से दबोच लिया। ये मंजर देखकर फौरी तौर पर वहाँ की सिक्योरिटी ने इसे छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर मामला दोस्तों इतना नाजुक था कि वो कुत्ता आखिरी दम तक उस खातून की गर्दन को दबोचे रहा। इस सूरत हाल में आखिरकार उस कुत्ते पर बेहोश करने वाली गोलियां फायर करना पड़ी और खून में लथपथ इस खातून को फौरी तौर पर अस्पताल में पहुँचाया गया। फिर इस खातून के बारे में कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि ये बच गई या फिर उस कुत्ते के वार से मारी गई। दोस्तों, रशिया में सेंसरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसे वाकयात को ऑन एयर नहीं जाने देते, यानी लोगों तक ये खबर नहीं पहुंच पाती। अब चूंकि ये लाइव टेलीविजन शो था, चुनांचे हजारों लाखों लोगों ने इस मंजर को बराह रास्त देखा और इनमें से जिनके जहनों पर मोहर नहीं लगी हुई थी उन्होंने जान ही लिया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन का मजाक उड़ाने वालों को किस अंजाम से दोचार करता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक। ये थी छोटी सी वीडियो, पर कुछ था जिसमें हमें लाइव दिखाया गया। और दूसरी बात ये कि वो लड़की मजाक उड़ा रही थी ना किसी इस्लाम का। नहीं उड़ाना पहली बात चाहिए ये कि आपको किसी के मजहब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो चाहे कोई भी रिलीजन हो भाई, सब सभी का मजहब हो या हाँ, कोई इंसान हो, पहली बात तो ये है क्योंकि सभी का अपना अपना मानना है, सभी अपने तरीके से जी रहे हैं, तो किसी को किसी के तरीके से जीने से नहीं रोकना चाहिए भाई। वो अपने तरीके से जी रहे, वो अपना खुशी ढूंढता है, जिस भी चाहे वो बात करके ढूंढ रहा है, चाहे रिलीजन में हो चाहे किसी भगवान के पास जाके वो खुशी ढूंढ रहा है, तो उसके लिए उसको सुकून है, उसको उस चीज से उम्मीद है, उसको बेटर लगता है उस चीज में, तो रहने देना चाहिए, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। यही सीख मिलती है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सही बात है। तो बाकी ये था भाई साहब, अगर ये लाइव वीडियो मिल जाती ना, ओ हो भाई साहब, तो मतलब क्या ही तबाही मचती। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि रशिया ने दबाने की कोशिश की इस चीज को, तो आई थिंक आउट नहीं करी होगी ये वीडियो, या उन्होंने सोचा होगा कि एक सेंसेशनल टॉपिक बन जाएगा, तो पता नहीं जो भी रहेगा, तो हमें तो दिखी नहीं। अगर होगी वीडियो तो जरूर बताना, हम देखेंगे। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।